बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर जेनेटिक्स के एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द रिसेंट एडवांसमेंट इन द जेनेटिक्स इज द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ द ह्यूमन स्पीशी। तो जो जेनेटिक मेकअप ऑफ द ह्यूमन स्पीशी है उसको देखने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द स्टडी ऑफ प्रिसाइज जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स होती है। बेटर डायग्नोस्टिक अपॉर्चुनिटीज के अंदर तीनों है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए प्रोब और रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इज द जेनेटिक काउंसलिंग है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन सीक्वेंस इनटू द सेल ताकि हम उस सेल के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीन थेरेपी। स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इसमें मैटरनल सीरम और एमनियोटिक फ्लूइड में अल्फा बीटा प्रोटीन और गोनाडोट्रोपिन के लेवल को देखा जाता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि हार्मफुल केमिकल इज रिकमेंडेड टू सूट द जीनोटाइप, वो भी इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं, हम यूथेनिक्स बोलते हैं। ई से मतलब इन्वायरमेंट आ जाएगा। फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप का, वो ए बी ओ होता है। मेंटेनल एज की वजह से डाउन सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है। एमनियोसेंटेसिस से हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या जो डिसऑर्डर होते हैं फीटस में उसको देख सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर जो लेस लिथल या नॉन हार्मफुल है वो अल्ट्रासाउंड होता है। ओके, बाकी रेडियोथेरापी, बाकी जो एक्सरे है उससे नुकसान हो सकता है। शॉर्ट स्ट्रेचर है, ओके, ओवरी डिसफंक्शन है तो ये टर्नर सिंड्रोम के अंदर होता है। डाउन सिंड्रोम का रिस्क फैक्टर मेटरनल एज होता है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्ट्रक्शन होती है रेड ब्लड सेल की। और ऑटोसोमल रिसेसिव में अगर दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव के कैरियर्स हैं तो 25% प्रोबेबिलिटी है। क्लियर, ठीक हो गया। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो यहाँ पे 50% आ जाता। थैलेसीमिया इज अ कॉमन डिसऑर्डर, तो इसके लिए जो टेस्टिंग होते हैं फॉर कैरियर्स ऑफ थैलेसीमिया ट्रेट ड्यूरिंग द प्री मैरिज पीरियड। नेक्स्ट है कि जो ब्लड से इधर क्लॉट नहीं हो पाता तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हीमोफीलिया होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है दोनों पेरेंट्स तो जो उनके ऑफस्प्रिंग है उसमें 50% चांस, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तब 25% चांस होता है।